नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है स्वर्ग नरक। एक मुनि एक शिथिलालय के सामने ध्यानमग्न होकर बैठे हुए थे। तभी वहां से एक सैनिक योद्धा अपने घोड़े से उतरा और मुनि के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुनि की आंखें खुली तो योद्धा ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बहुत दिनों से मेरे मन में एक संदेह है। कहो, मुस्कुराते हुए मुनि बोले, स्वर्ग नरक को लेकर दुनिया में लोग बहुत बातें करते हैं, क्या वे बातें सचमुच सही हैं? तुम कौन हो, क्या करते हो? मुनि ने धीमे स्वर में पूछा। मैं इस देश का सेनाधिपति हूँ, गर्व भरे स्वर में योद्धा बोला। मुनि ने पूछा, तुम जैसे मूर्ख को किसने सेनाधिपति बना दिया? मुनि की बात पर योद्धा को क्रोध आ गया और उसने झट अपनी तलवार निकाल ली। अभी अभी तुम्हें नरक का द्वार खुल रहा है, कहकर मुनि मुस्कुराए। मुनि की बात सुनकर योद्धा को झटका सा लगा, वह दो कदम पीछे हटा और तलवार को म्यान में रखते हुए बोला, क्षमा कीजिएगा मुनिवर। मुनि बोले, अभी अभी तुम्हें स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, काम क्रोध लाभ मोह आदि दुर्गुण ही नरक के द्वार हैं। हम में सुख संतोष भरते हैं शांति करुणा दया सहन शक्ति आदि सद्गुण। जिस हृदय में ये सद्गुण रहते हैं वह हृदय ही स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, हमारे हृदय में ही है। समझ गया मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हुए योद्धा ने मुनि को एक और बार प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि अब उसे कोई शंका नहीं थी। इसी के साथ हमारी आज की कहानी स्वर्ग नरक यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।